द मिस्ट्री ऑफ कुलतरा। राजस्थान के सुनहरे शहर जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह कुलतरा गांव है, जो आज के समय में बिल्कुल बंजर बन चुका है और अब इस गांव को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। इस गांव को देखने और इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए कई सारे पर्यटक दूर दूर से आते हैं, पर शाम होते ही 4 बजे के बाद सभी को वापस जाने के लिए कह दिया जाता है, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है कि रात को यह गांव बहुत ही डरावना हो जाता है, क्योंकि यह गांव बिल्कुल बंजर है और जो पुराने घर इस गांव में हैं उनमें से कई सारे अब खंडर बन चुके हैं और यह गांव बहुत एकांत है, जहां पर कोई नहीं रहता। इस गांव के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने इस गांव के अंदर से चीखने चिल्लाने और आपस में बात करने की आवाज़ों को सुनने का दावा किया है। कुलधरा गांव का नाम इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में बहुत ऊपर आता है। इस गांव में घूमने आए कई लोगों का यह कहना था कि उन्हें इस जगह पर किसी अननोन एनर्जी या किसी के आसपास होने का एहसास हुआ करता था। पर क्या सच में ऐसा है और ऐसा क्या हुआ था कुलधरा गांव में जिसने इस गांव को इतना बंजर और डरावना बना दिया, और क्यों यह गांव दोबारा नहीं बस सका? आखिर क्या है कुलधरा गांव का इतिहास? पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल हॉन्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी और हॉरर वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यह बात 13वीं शताब्दी की है, जब कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। उस समय यह गांव बहुत ही खुशहाल और सुख समृद्धि से भरपूर था, क्योंकि इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान और धनी थे, और ज़्यादातर पालीवाल ब्राह्मण व्यापार का काम करते थे, और लगभग सभी के घर में एक ना एक पालतू जानवर पला ही होता था। उन लोगों का जानवरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी थे और उनमें से कई सारे वैज्ञानिक भी थे, जो नई नई तकनीकी की चीज़ें बनाते रहते थे अपने गांव को और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए, और सभी लोग खुशी खुशी गांव की तरक्की को बरकरार रखते थे। पर फिर 18वीं शताब्दी में कुलधरा गांव के लोगों के सर पर काले बादल छाने लगे, क्योंकि सालिम सिंह नाम का आदमी, जो कि जैसलमेर के महाराज का दीवान यानी कि मिनिस्टर था, उसने कुलधरा गांव के लोगों को परेशान कर रखा था। क्योंकि जब एक बार वो कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था, तब उसकी नज़र पालीवाल समाज की एक लड़की पर पड़ गई, जो कि वहाँ के पुजारी की लड़की थी। सालिम सिंह उस लड़की को हर हाल में पाना चाहता था। उसने कई बार कुलधरा गांव के लोगों को डराया और धमकाया भी था। सालिम सिंह एक क्रूर और गुस्सैल दीवान था, और कहा जाता है कि उसके पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिससे वो ऐसा बन गया था। एक बार जब सालिम सिंह छोटा था, तब उसकी आंखों के सामने उसके पिता दीवान स्वरूप सिंह को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था, और इन्हीं सब घटनाओं से वो ऐसा हो गया था। जब उसकी कई सारी कोशिशों के बाद भी पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने नहीं झुके, तो उसने आखिरी मोहलत के तौर पर कुछ दिन का वक्त देते हुए कहा कि अगर इतने दिनों में पालीवाल समाज ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपनी सेना के साथ कुलधरा पर आक्रमण कर देगा। पालीवाल ब्राह्मण इस सबसे बहुत परेशान हो चुके थे। वो सभी प्रतिष्ठित और सम्मान वाले लोग थे, जो किसी भी हालत में अपनी लड़की को सालिम सिंह के हवाले नहीं कर सकते थे, और दूसरा वो सभी शांत स्वभाव के लोग थे, जो लड़ाई वगैरह से दूर रहते थे, और वैसे भी वो सालिम सिंह की बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। जिसके बाद उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी गांव के लोग मौजूद थे, और फिर उन लोगों ने तय किया कि वो रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, जिसके बाद वो लोग गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पर जाते जाते उन्होंने कुलधरा गांव को श्राप दे दिया कि अब यह गांव दोबारा कभी नहीं बसेगा, यह गांव हमेशा बंजर ही रहेगा। जिसके बाद वैसा ही हुआ, कुलधरा गांव कभी भी पहले जैसा नहीं हो सका। और जहां तक बात रही इस गांव के भूतिया होने की, तो कई लोग इस जगह को भूतिया और डरावनी जगह मानते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का कहना यह है कि कुलधरा गांव के भूतिया होने की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। यह सब बातें लोगों को इस जगह की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फैलाई गई हैं, ताकि लोग इस जगह पर आएं। वैसे यह तो है, अगर कुलधरा गांव से भूतिया और डरावनी बातें नहीं जुड़ी हुई होती तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आता भी, और कुलधरा जैसी ऐतिहासिक जगह भी दूसरी कई सारी ऐतिहासिक जगहों की तरह गुमनामी में ही रह जाती, और हम लोगों को कभी पता ही नहीं लग पाता
कि इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण कितने ज्यादा बुद्धिमान थे और उन्होंने उस समय में भी कितनी तकनीकी की चीजों को बनाया था। अगर आप कभी भी कुलधरा गांव जाओगे तो अभी भी आपको उनके द्वारा बनाए गए उनके घर और कुछ चीजें देखने को मिलेगी, जिन्हें देखकर आप लोग सोचोगे कि उस समय में भी ऐसी चीजों को इस तरीके से बनाना मुमकिन था। और इस वीडियो से मैं आपको एक और चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत दुखी करने वाली है। मैंने कई सारे कुलधरा गांव के व्लॉग और फोटो देखे हैं जिनमें इस जगह पर बहुत गंदगी फैली हुई थी, जो कि ऑब्वियसली वहां पर आए हुए लोगों ने ही फैलाई होगी। तो सभी को यह समझना चाहिए कि ऐसी ऐतिहासिक जगहों को तो छोड़ दो, कभी कभार फॉरेनर भी इस जगह पर आते हैं इस गाँव को देखने और इसके बारे में जानने के लिए, तो उनके ऊपर ये सब गंदगी देखकर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा हम लोगों का। और कुलधरा गांव के आसपास रह रहे लोगों ने यह बताया था कि पहले लोग इस गांव में मौजूद घरों को तोड़कर ईंटें, पत्थर और खिड़की दरवाजे तक ले जाया करते थे। अब इन सब बातों से यही साफ होता है कि इस जगह को बंजर बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ था तो वो इंसानों का ही था।